नमस्कार दोस्तों, मैं रंजय कुमार, एक्टर, ऑथर और मॉडर्न एक्टिंग ट्रेनर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तब किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन-किन बातों पर। सबसे पहली बात यह है कि उस कैरेक्टर का ड्रेस कोड क्या है। ठीक है, ड्रेस कोड के हिसाब से आपको ड्रेस पहनना चाहिए। अभी मेरा जो ड्रेस कोड है, मैं एक कंपनी के सीईओ के हिसाब से मैंने पहना है। टाई भी होनी चाहिए, लेकिन अभी इस वक्त में जब ये डायलॉग मैं भी बोलने जा रहा हूँ या आपको करके दिखाऊंगा, उसमें अगर टाई नहीं है तो भी चलेगा, राइट? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। एक तो ड्रेस कोड आपको बताया जाता है कि ड्रेस कोड ये है, आप इस ड्रेस कोड में ही इस ऑडिशन को दें, राइट? तो जब भी आपको ऑडिशन देना हो तो ड्रेस कोड जरूर फॉलो करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग थके हारे परेशान होके पहुंचते हैं और ड्रेस कोड उनके पास नहीं रहता है, तो कास्टिंग डायरेक्टर मजबूरन ये कहते हैं, ठीक है यार आप दे दो, है ना, दे दो आप, क्योंकि आप बहुत भाग के आए हो, परेशान होकर आया हो। तो अपने पास कुछ प्रॉप्स भी रखें, अगर आपको अलाउ किया जाता है तो कुछ प्रॉप्स, मतलब प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ रखें जिससे वो सीन क्रिएट हो, सीन बने, राइट? और ये आपके पास पूरी लिबर्टी है कि हाउ डू यू डू दैट एक्ट, हाउ डू यू एक्ट, हाउ डू यू क्रिएट दैट कैरेक्टर, ये पूरा लिबर्टी आपके पास है। तो आप अपने हिसाब से एक्टिंग करें, राइट? जो डायलॉग्स हैं वो तो है ही, ठीक है वो, ओके, लेकिन आप उसे और बेहतर बना दें अपने स्टाइल से, राइट? और आपको ये कहा जाता है, खास करके ऑडिशन में, कि आप कैमरे को उस इंसान को मान लें जिससे आप बात कर रहे हैं, ओके? तो कैमरे में ही देखकर आप बोलें, क्योंकि बहुत बार आपको कैमरे में देखकर डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। अगर आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं तो जब आपका क्लोज कटिंग होती है ना, क्लोज, तब आपको कैमरे में देख के बात करना होता है, कैमरे के थोड़ा नीचे या थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, लेकिन कैमरे के आसपास ही रहता है, मतलब कैमरे के लेंस के आसपास रहता है, ओके? तो अब मैं एक कंपनी का सीईओ हूं और एक आर्नो नाम का व्यक्ति है जो कि मेरा दोस्त है वो, लेकिन मजबूरन वश वो मेरे ही कंपनी में काम कर रहा है और मैंने उसे काम दिया है, उसकी हेल्प की है, लेकिन कुछ महीनों से वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है? तो मैंने उसे बुलाया है और मेरे हाथ में उसका फाइल है जो कि काम नहीं किया उसने ठीक से, ओके? काफी बार ऐसा भी होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि आप एक पोजीशन को पकड़ लो, आप इसे मान लो कि ये वो आपका दोस्त है, ठीक है, मैनेजर है, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी मैं कैमरे में देख के आपको बोलकर दिखाता हूं। यस और नो? आई वॉन्ट टू टॉक टू अबाउट दिस। मैं ये तो नहीं चाहता हूं कि इस ऑफिस में एवरी वन गोज ओवर द टॉप टू परफॉर्म, नॉट एट ऑल, पर ये पिछले 3 महीनों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, एंड आई एम सॉरी टू से यू आर नो, तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी, यू हैव नेवर बीन सो बैड, और शायद मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की वजह तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, जो कुछ भी है, यू हैव सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और तुम्हें इस ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इस ऑफिस के काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे औरों से भी इस बारे में बात करनी है। वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स, और हाँ, ये सारी बातें एक बॉस ने, एक दोस्त कह रहा, ओके? तो आपको इस तरह से ऑडिशन देना चाहिए कि ऐसा लगे कि आप कैमरे में है ही नहीं, आप कैमरे को भूल जाएं, और कैमरे को भूल कर आप उस व्यक्ति को देखें उस कैमरे के अंदर, जिस तरह से अभी मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं इस कैमरे के अंदर और ये सारी बातें कर रहा हूं। जी हाँ, तो इसी तरह से आप भी ऑडिशन दें और सफलता की ऊंचाइयों को आसानी से छुएं।
तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।